सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टेक ट्यूटोरियल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कुछ नया सीखने के लिए। गाइस तो अभी हम लोग गोवा में आ चुके हैं और आप देख रहे हो अभी हम बीच पे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं बागा बीच पे और यहाँ पे क्या क्या नज़ारा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे चारों तरफ देख सकते हो कि इधर काफ़ी अच्छा है और हम लोगों ने इधर रेंट पे बाइक लिया है। रेंट पे बाइक लेके हम इधर आए हुए हैं और ये साथ में बाकी लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रथमेश और बाकी जो साथ वाले हैं वो इधर तो कहीं तो हैं क्योंकि वो बाइक लेके पहले आ गए थे, हम बाइक लेके बाद में आए तो उन लोग को हम देख नहीं पा रहे। तो अभी हम उनको खोज रहे हैं, उनको खोजने के बाद देखते हैं कि इधर क्या क्या एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं। स्विमिंग पूल ढूंढ रहे हैं और हमने रेंट पे बाइक ली है, ये एवेंजर हमने रेंट पे ली है। अगर आप गोवा पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाइक जो है रेंट पे मिलती है, बाइक स्कूटर कुछ भी आप ले सकते हो एकदम चीप रेट में। तो एवेंजर हमें मिली है 400 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 400 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। गाड़ी 1 लाख की गाड़ी है तो आपको 400 रुपये में एक दिन के लिए यूज़ करने के लिए मिल रही है, तो बुरा नहीं है। हम लोग 2 दिन इधर रुकने वाले हैं तो उनको हमें 800 देने पड़े। और एक्टिवा इधर जो मिलती है वो 300 रुपये में है और बुलेट रॉयल एनफील्ड जो है वो 700 रुपये में है। तो इस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ते में मिल जाती हैं, आप सस्ते में गाड़ी लेकर के इधर ट्रैवल कर सकते हो। तुम लोग अगर कभी इधर आओ घूमने के लिए तो ट्रैवल के लिए इधर बहुत दिक्कत है, तो आप गाड़ी ले लेना, आराम से कहीं पर भी जा सकते हो। तो अभी हम गाड़ी ले कर इधर आए हैं, स्विमिंग पूल ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कोई अच्छा स्विमिंग पूल मिल जाता है तो उधर जाके एंजॉय करेंगे। हम लोग शॉप पे गए थे, वहाँ पे परचेसिंग वगैरह किया, सामान वामान ख़रीदा। इधर दीपक ने शॉर्ट्स वॉर्ट्स और ये चड्ढे वड्ढे खरीदे इधर पहनने के, अभी हमने भी खरीदे, अभी मैं भी जाके उधर पहनूंगा। और अभी हम आए हैं स्विमिंग पूल के पास में, आप पीछे देख सकते हो मेरे की एक बेहतरीन सा
जो है स्विमिंग पूल है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के, यहाँ नहाने का बहुत बढ़िया मन करेगा मेरा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि गोवा का, अब ये देखो ये वाला नज़ारा एकदम मस्त लग रहा है, सामने पहाड़ है और इधर मतलब खेत वेत एकदम हरा भरा पूरा लग रहा है। तो गाँव में तो ऐसा हमारे दिखता है लेकिन इस तरह से डेकोरेशन नहीं होता है। तो स्विमिंग पूल तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, एकदम नीला नीला पानी है, पानी देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कूद जाऊँ बस नहा लूँ डायरेक्ट। तो अभी मैं जाके उधर नहाने वाला हूँ। तो अगर हम जाते हैं वहाँ पे नहाने के लिए और नहाते हैं तो वहाँ की जो वीडियो होगी वो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और वैसे आप तो सुबह नहा चुके हैं लेकिन अभी पता नहीं क्या पता, अगर सारे लोग प्लान करते हैं तो दोबारा से मैं आऊँगा इधर नहाने के लिए। अभी हम शिवा वैली पे आए हुए हैं, यहाँ पे जो अंजुना बीच है बहुत बेहतरीन है, तो यहाँ पे बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं। ये काफ़ी बेहतरीन है नज़ारा, देख सकते हैं हमारे वीडियो में। पता नहीं आपको साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, जैसे भी होगी आप मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये जगह जो है फेमस है पीने वाले लोगों के लिए, और बाकी जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, बाकी चिकन वगैरह वो सारी चीज़ें खाने की यहाँ पर सारी मिल जाती है। बीच बेहतरीन है, खाने का मज़ा बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप आते हो इधर तो आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें आसानी से मिलेगी, लेकिन यहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप इधर आते हो तो आप एक बार देख लेना, और उसका पार्ट खा के आओगे तो बेटर है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये रहा शिवा वैली का नज़ारा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये नज़ारा, और हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, हमने काफ़ी इन्जॉय किया इधर। अब हम जाने वाले हैं बागा बीच की तरफ, तो वहाँ जाके हम वहाँ की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बागा बीच कैसा है या वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं। तो बागा बीच पे जाके हम वहाँ का आपको दिखाने वाले हैं। अभी जो है सुबह के 9 बजे हैं, जस्ट अभी भी हम सो के उठे हैं, कल सोने में लेट हो गया था, करीब 2 बजे हम सोए थे तो अभी उठने में काफ़ी लेट हो गया। आई होप कि आपको कल का वीडियो जो है वो पसंद आया हो। कल हम लोगों ने कई जगहों पे घूमा, बागा बीच गए, शिवा वैली गए, तो वो सारी जगहें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतरीन थी। और अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा आ रहे हो तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जब भी आओ, कभी भी जो होटल लो आप रोड पे, मतलब रोड से थोड़ा सा हटके लो। हम लोगों ने जो होटल लिया है इस बार रोड से थोड़ा हटके लिया है, करीब 300-400 मीटर अंदर है वो, तो हमें थोड़ा सा सही रेट में मिल गया, वरना रोड पे जो होटल के चार्जेस होते हैं बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप थोड़ा सा हटके लो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा पड़ेगा, सही रेट में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। शिवा वैली जो है वो फेमस है गांजा वांजा के लिए, यहाँ पे जो लोग ड्रिंक व्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक तो वैसे दोनों बीच में होता है लेकिन वहाँ पे और भी अलग ही तरह का, वहाँ पे मैक्सिमम फॉरेनर्स मिलेंगे और वो काफ़ी अंदर पड़ जाता है, बहुत रोड से बहुत अंदर पड़ जाता है, वहाँ पे कोई ऑटो वगैरह नहीं जाती, तो वहाँ जाने के लिए आपको बाइक रेंट पे लेनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा तरीका तो नहीं है वहाँ जाने का। लेकिन जो ये है बागा बीच है, यहाँ तक के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी से आप आ सकते हो या गाड़ी बुक करके, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर आपके पास बाइक है रेंट पे तो बेटर है। बाइक वगैरह यहाँ पे बहुत सही रेट में मिल जाती है, बहुत ही अच्छे रेट में आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो आप रेंट पे लेके अपना पेट्रोल वेट्रोल डला के जा सकते हो। और पेट्रोल के बारे में यहाँ पे बताऊँ कि पेट्रोल आपको रोड पे मिल जाएगा, शॉप वगैरह वाले बेचते रहते हैं, पेट्रोल पंप यहाँ बहुत कम है, दूर दूर है, तो शॉप वाले यहाँ पेट्रोल बेचते रहते हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लेंगे वो, 20 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 10-20 रुपये आपको 1 लीटर पेट्रोल दे देंगे, तो आप वहाँ से पेट्रोल आपको मिल जाएगा। अगर आपको पेट्रोल पंप मिलता है तो आप वहाँ से डला लो, वरना अभी तक हम लोगों ने जहाँ भी घूमा है अभी पेट्रोल पंप हमें मिला ही नहीं, तो शायद कहीं होगा लेकिन हमें तो नहीं मिला, तो आप शॉप से पेट्रोल ले सकते हो। बाकी कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना हो इधर के बारे में तो आप मेरे को बता सकते हो।